हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ योर फेवरेट टेक शो टेक विद टीजी। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में ही ना मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी को दिल से थैंक यू फॉर गिविंग ऑल योर व्यूज अबाउट 2024 का, आपके सपनों का स्मार्टफोन। यू नो दैट एपिसोड वॉज अ रियल डिलाइट टू प्रोड्यूस बिकॉज हमको जानने को मिला कि वॉट काइंड ऑफ स्मार्टफोन डू यू नीड। एट द सेम टाइम जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उन सभी को बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हम सब ने दे दिया है। नाउ इट्स अप टू देम दैट व्हाट काइंड ऑफ फोन्स डू वी रियली गेट इन दिस ईयर। बट मुझे उस एपिसोड से एक आइडिया आया एंड द आइडिया वाज टू डू समथिंग सिमिलर इन द फील्ड ऑफ लैपटॉप्स। ऐसा नहीं है कि मैं डेस्कटॉप्स के अगेंस्ट हूँ, इनफैक्ट ये जो पूरा एपिसोड आप देख रहे हैं दिस इज बीइंग एडिटेड ऑन अ डेस्कटॉप पीसी बिकॉज वी नो फॉर श्योर, आई मीन द हार्डकोर स्टफ दैट वी ऑल डू इज डेफिनेटली पॉसिबल ऑन ऑल दीज हाई एंड डेस्कटॉप्स। बट एट द सेम टाइम जो लैपटॉप्स हैं वो काफ़ी एक यूनिक एलिमेंट लेके आते हैं। इट्स वेरी पर्सनल टू अस, इट्स वन ऑफ आर मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स एंड बिकॉज देर आर मल्टीपल फॉर्म फैक्टर्स टू चूज फ्रॉम, कि आपको एक स्लीक लैपटॉप चाहिए या यू वॉन्ट अ वेरी हाई एंड गेमिंग लैपटॉप, यू वॉन्ट समथिंग दैट हैज अ टच स्क्रीन और यू वॉन्ट समथिंग दैट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, ये सारे फैक्टर्स आपको केवल लैपटॉप्स में देखने को मिलते हैं। तो इट्स टाइम नाउ टू गो आउट, गो ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड फिगर आउट दैट वॉट काइंड ऑफ लैपटॉप डू यू गाइज नीड इन दिस ईयर 2024, वॉट एग्जैक्टली इज योर ड्रीम लैपटॉप। Time now to go out, time now to figure out, and time for all these laptop brands. आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और कुछ नोट्स ले लीजिए बिकॉज यू आर गेटिंग सम अमेजिंग इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम दिस वीक्स टेक विद टीजी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, यू आर वॉचिंग टेक विद टीजी एंड टीजी स्टैंड्स फॉर टेक्निकल गुरुजी, वही मेरा दूसरा नाम है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। My name is Vikhyata and I'm choosing a slim and lightweight option for my laptop because it is very easy to carry everywhere and I really like a premium look. But मुझे ये problem आती है कि इसकी durability बहुत कम होती है और ये easily टूट भी सकता है। So I will be selecting a standard motherboard क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादा गेमिंग और मल्टीटास्किंग नहीं करती एंड बिकॉज स्टैंडर्ड मदरबोर्ड इज अ बजट फ्रेंडली। हेलो, मेरा नाम ऋतिक कुमार है और मैंने एंट्री लेवल सीपीयू को चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है और इजीली अवेलेबल है मार्केट में और इसमें काम करना बहुत ही आसान है और हम इसमें हर तरीके के काम कर सकते हैं सिवाय कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते हम इसमें। और इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसके, और जैसे कि हम इसमें एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को नहीं चला सकते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं है ये। और सबसे बेस्ट अगर इस चीज़ का एंट्री लेवल सीपीयू का अगर बात करें तो ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर सिंगल पर्सन। हेलो बंधुসকল, মই মাস কমিউনিকেশনৰ এজন ছাত্র আৰু মাস কমিউনিকেশনৰ ছাত্র হিচাপে মোক ভিডিঅ' এডিটিং যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰয়োজন হয় কিয়নো ভিডিঅ' এডিটিঙৰ বেসিকখিনি জনাটো মাস কমিউনিকেশন তথা জার্নেলিজিমৰ এজন ষ্টুডেণ্ট হিচাপে যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয়। মই এই ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে ইন্টিগ্ৰেটেড গ্ৰাফিক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই ইন্টিগ্ৰেটেড গ্ৰাফিক্স ব্যৱহাৰ কৰাৰ মূল কাৰণ এইটোৱে হৈছে যে ইন্টিগ্ৰেটেড গ্ৰাফিক্সত আমাৰ পাৱাৰ কনজাম্পশ্যন কম পৰিমাণে হয় অৰ্থাৎ লো পাৱাৰ কনজাম্পশ্যন হয় আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড গ্ৰাফিক্সৰ যিটো প্ৰাইচ তথা যিটো কষ্ট হয় সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে কম হয়।
Hello, I'm Tikhnodanath. I'm choosing 16GB plus RAM as it is ideal for heavy multitasking, gaming and for content creations. On the other hand, it also has some disadvantages like it is higher in cost. Also, it may be unnecessary for some casual users. Talk about HDD and SSD. HDD has higher storage और कॉस्ट में उसका इफेक्टिव है ज़्यादा नहीं है. और अगर मैं SSD की बात करूँ उसका बूस्ट टाइम काफ़ी फास्ट है लेकिन उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है. एंड टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू आई विल गो विद HDD बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ओनली एंड आई बिलीव इट हैज मोर वैल्यू ऑफ मनी देन. थैंक यू. हाय, मैंने 1080p चूज़ किया है बिकॉज ऑफ इट्स क्लियर विजुअल्स एंड बेटर स्क्रीन, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस. हेलो, आई एम पल्लवी. आई एम चूजिंग 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले बिकॉज इट हैज़ अ हायर रिजोल्यूशन एंड इट्स गुड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स. मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और ये यूज़फुल है. ये काफ़ी हद तक रियलिस्टिक फुटेज प्रोवाइड करता है आप सबको. एंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका कॉस्ट थोड़ा हाई हो जाता है. बाकी इट इम्पैक्ट्स ऑन बैटरी लाइफ. मानो आप कहीं बाहर गए तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बैटरी रिलेटेड इशू की वजह से. और आपका इट टेक लॉट ऑफ स्पेस इन मेमोरी कार्ड और फोन. तो इट हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. सो दैट्स इट. मेरा नाम सिमरन सिंह है. मैंने कीबोर्ड और टचपैड को चूज़ किया है बिकॉज ये इम्प्रूव करता है हमारे विजिबिलिटी को इन लो लाइट एनवायरनमेंट. मैं USB-C पोर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि ये हर जगह इजीली अवेलेबल है एंड ये पॉपुलर भी है, हर जगह मिल जाता है. हेलो, आई एम आयुष. आई एम यूजिंग Wi-Fi 6 क्योंकि इसकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है और Wi-Fi की तुलना में. और अगर देखा जाए तो इसके जो डिवाइसेज होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं जो Wi-Fi 5 और 4 ये सब जो थे पहले उनसे थोड़े महंगे हैं, लेकिन Wi-Fi 6 बहुत ही बेस्ट है. हेलो, आई एम सागरिका दास एंड आई एम चूजिंग एक्सटेंडेड बैटरी. एक्सटेंडेड बैटरी चूज़ करने का यही रीज़न है कि विदाउट एनी इंटरप्शंस आप अपने लैपटॉप को लंबे समय तक के लिए यूज़ कर पाते हो और बार बार अपने लैपटॉप को चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. पर बैटरी बैकअप ज़्यादा होने की वजह से वेट भी ज़्यादा हो जाता है. वो एक डिसएडवांटेज है. बट एज ए स्टूडेंट आई वुड लाइक टू से दैट हैविंग एन एक्सटेंडेड बैटरी अलाउज यू टू स्टे प्रोडक्टिव एंड एंटरटेन्ड विदाउट वरिंग अबाउट रनिंग आउट ऑफ योर पावर. Oh my God, what an amazing bunch of information जो हमारे पास दोस्तों निकला है इस पूरे सर्वे से. Time to analyze, time to get some insightful information. सब कुछ आपको देने वाला हूँ full details के साथ में right after this short break. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Tech with TG. My name is Gaurav aka TG. In fact, आज इस एपिसोड में हम कुछ यूनिक कर रहे थे. ब्रेक से पहले हमने आपसे ही पूछा कि आपके सपनों का लैपटॉप कौन सा है. जी हाँ, योर ड्रीम लैपटॉप फॉर 2024 एंड वी गॉट सम वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स. काफी यूनिक चीजें आपने बताई हैं. In fact, few were huge surprises for me as well because मैं खुद सोच रहा था कि शायद आप ऐसा ना बोलें, but then the kind of feedback that you all sent in काफी ज़्यादा unique था. And you know what? Time now to analyze, time now to put it on paper and to figure out कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है. What is the kind of laptop that you look forward to for this year?
थोड़ा सा रिजल्ट्स को देखते हैं ध्यान से, ताकि हम पता लगा पाए और जो सारे लैपटॉप वाले ब्रांड्स हैं वो जब वो देख रहे हैं तो उनको भी पता चल जाए कि व्हाट इज द काइंड ऑफ लैपटॉप दैट यू गाइज नीड फॉर दिस ईयर 2024. लेट्स हैव अ क्लोजर लुक. Chassis and enclosure की वोटिंग ने एक चीज क्लियर कर दी. Laptops must be slim. Laptops must be light. More than half of the people surveyed chose this option. Makes sense, right? That is why we call these portable computers as laptops. Now we did expect कि aluminium या metal chassis build को शायद ज़्यादा votes मिल जाएं, but plastic won. This could be weight की वजह से, this could be pricing की वजह से. We would really like to believe that ये repairability की वजह से भी हो सकता है. प्लास्टिक पार्ट्स चीपली रिपेयर हो जाते हैं, मेटल बेंड बल्ज या स्क्रैच हो जाए तो एट मेनी टाइम्स द रिपेयर बिल स्टॉप्स अस फ्रॉम गेटिंग इट फिक्स्ड, बट इट्स वेरी क्लोज, विच मींस पीपल सीकिंग प्रीमियम बिल्ड्स भी कुछ कम नहीं है नंबर्स में. While gaming motherboards का कम चूज होना थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगा, बिकॉज वही हार्डवेयर कॉन्टेंट क्रिएटर्स को भी अपीस करता है. बट जैसा कि गुरुजी ने शुरू में ही कहा था, सीरियस लोगों के लिए वो डेस्कटॉप टेरिटरी है. सो लेट्स फोकस मोर ऑन द नीड फॉर स्टैंडर्ड बजट मदरबोर्ड्स जो अब काफी अच्छे होते जा रहे हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सी ऑफ ऑप्शंस दैट कम विद इन एन ओशन ऑफ प्राइस रेंजेस इज प्रूफ टू द फैक्ट दैट मूर्स लॉ इफ नॉट इन नंबर्स बट स्टिल इन थियोरी काम कर रहा है. सो इवन विद इन टाइट बजट्स हमें डिसेंट परफॉर्मेंस मिलना शुरू हो गया है. Then we put in a trick question. Because of the closed loop build, laptops के motherboards technically upgradable नहीं होते हैं. Not saying कि possible नहीं है, but काफी builds में impossible है. So हमने ये discover कर लिया है कि एक नया design ideology का शायद time आ गया है. And maybe modular होना इसका एक solution है. When it comes to CPU, half of the people surveyed wanted a flagship high-end chip. So, ये गेमिंग की अफिनिटी भी दिखाता है एंड ये गुड सस्टेन्ड मल्टीटास्किंग की डिमांड भी दिखाता है. इक्वल डिमांड्स फॉर एंट्री लेवल सीपीयू एंड मिड रेंज सीपीयू इज अ गुड इंडिकेटर कि यूसेज की मोनोपोली नहीं है. कंप्यूटर्स सीप कर चुके हैं अक्रॉस यूसेज इंडस्ट्रीज एंड टू अस दिस इज अ हेल्दी इंडिकेटर ऑफ थिंग्स. स्पीकिंग ऑफ जीपीयूज, इंटीग्रेटेड जीपीयूज की डिमांड रिफ्लेक्शन है कि लोगों को ऑफिस के लिए लैपटॉप्स की डिमांड ज्यादा है, प्लस लैपटॉप्स को नॉर्मल एवरीडे यूसेज वर्क जैसे कि डॉक्यूमेंट वर्क, इंटरनेट ब्राउजिंग जैसे टास्क्स में यूज करने पे डेडिकेटेड जीपीयू की जरूरत का ना होना, ये अब जनरल पब्लिक को समझ आता है. दिस इज ऑल्सो पार्टली बिकॉज इंटीग्रेटेड जीपीयूज इन सम ऑफ द न्यूअर चिपसेट्स आर दैट गुड. हाई एंड जीपीयू की डिमांड ने भी ऑलमोस्ट एक बाइनरीनेस दिखा दी है. या तो डेडिकेटेड जीपीयू अगर हो तो अच्छा परफॉर्मर हो, वरना ना ही हो इंटीग्रेटेड जीपीयू हो. सो मे बी द स्पेंडर्स आर गेमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स. रैम से हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी एग्जैक्टली वही हुआ. एब्सोल्युटली नो सरप्राइजेस देयर. हेलो लैपटॉप मेकर्स, वी वांट मोर रैम, वी वांट फास्टर रैम. The 42% people who chose SATA HDD, ये वो लोग हैं जो अपना बहुत सारा डेटा अपनी हार्ड डिस्क में रखते हैं, इसीलिए उनको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए. They could also be people who want to save some money. However, good news for them and the 45% people जिन्होंने SATA SSD का ऑप्शन चुना. NVMe SSD इंटरफेस भी अब काफी बजट में आने लग गया है. श्योर, हायर स्टोरेज वाली SSD अभी भी काफी कॉस्टली है, बट द डिफरेंस इन सिस्टम परफॉर्मेंस इज वर्थ इट. SSD को बूट ड्राइव बनाने पे काफी स्लोअर कंप्यूटर्स ने भी स्पीड्स नोटिस करी हैं. स्मार्टफोन बिल्ड वाले एपिसोड में भी ये कंक्लूजन निकला था कि लोगों के लिए कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट अब बहुत जरूरी है, इसीलिए लैपटॉप्स में भी 60% चॉइसेस 4K USD स्क्रीन्स को गई हैं. फुल HD डिस्प्ले भी ज्यादा पीछे नहीं है वैसे, बट अच्छा लगा 30% लोगों को टच स्क्रीन डिस्प्ले की डिमांड देख के. अच्छा लगा ड्यूअल स्क्रीन की भी डिमांड देख के. Asus तो ऑलरेडी एक डेडिकेटेड सीरीज ऑफ ड्यूअल मॉनिटर लैपटॉप्स बनाते भी हैं. हम थोड़ा कंफ्यूज हुए जब हमने 50% लोगों को स्टैंडर्ड कीबोर्ड चूज करते देखा, बिकॉज रात में काम करते हुए बैकलिट कीज आर ऑफ अटमोस्ट नीड. बट आई थिंक दिस इज द कंफ्यूजन बिटवीन प्राइसिंग ऑफ बैकलिट वर्सेस दी स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट्स 52% बैकलिट कीबोर्ड्स को ही मिले. प्रिसिशन ट्रैकपैड की इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट हुई, बट आई थिंक मेनी पीपल इंक्लूडिंग अस
prefer to use wireless mice with our laptops for faster productivity. एक छोटा सा ईस्टर एग जो हमने डाला था ट्रैक पॉइंट, उसे भी अराउंड 21% लोगों ने सेलेक्ट किया. नाइस. Connectivity के observations में two things stood out. The older tech and the slower connectivity protocol got the least votes. Wi-Fi 5 only 34% when compared to Wi-Fi 6 at 69%. And then HDMI port. HDMI port को हमारा support है by the way, क्योंकि sometimes we run into projectors जिनमें wireless connectivity नहीं है. Only HDMI. बैटरी डिपार्टमेंट स्मार्टफोन वाले ट्रेंड से ऑपोजिट गया. 58% पीपल आर ओके विद लार्जर हैवियर बैटरीज जो इवन दो उनके लैपटॉप को बल्की कर देगी बट लॉन्ग लाइफ बिटवीन चार्जेस ऑफर करेगी. एंड टाइप सी पोर्ट की डिमांड अक्रॉस गैजेट्स बढ़ती जा रही है. Oh my God, guys, क्या amazing मजा आया है इस पूरे episode को produce करने में. Because you know, I mean, it's always nice to know कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है. और मुझे पता चला कि आप सबके दिमाग में क्या चल रहा है. And after all the insightful analysis and you know सब कुछ जो हमने किया, तो हमको मालूम चला the kind of laptop जो आपको चाहिए इस साल 2024 में. और वैसे सभी जो ब्रांड्स हैं उन सभी ने देखा है इस एपिसोड को. एंड नाउ दे नो फॉर श्योर दैट द काइंड ऑफ लैपटॉप दैट यू नीड फॉर दिस ईयर. तो नाउ वी जस्ट सिटिंग बैक एंड वेटिंग एंड वॉचिंग. हम ताकि देखेंगे कि इस साल क्या वाकई में हमें ऐसा कोई लैपटॉप मिल पाता है मार्केट में या नहीं. वैसे तब तक के लिए आपसे सिर्फ एक ही बात पर शेयर करना चाहूँगा कि बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेक, द शो इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी. तो आपके आसपास जो भी टेक है उसको सीखिए, उसको एंजॉय कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाइए उस टेक को यूज करते हुए. और इंतजार कीजिए एपिसोड का, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड आई एम गोना ब्रिंग सम अमेजिंग कंटेंट एज ऑलवेज स्ट्रेट टू यू इन योर फेवरेट शो टेक विद टीजी. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक. हैव अ गुड डे.